अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह होंगे बहुत अच्छे, और मैं भी हमेशा की तरह हूँ बहुत अच्छी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बिल्कुल अपने सारे काम छोड़ दें और आज का मेरा व्लॉग देखें, क्योंकि मेरा व्लॉग होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त। तो आज क्या होने वाला है मैं आपको अभी से बता देती हूँ। आज मैंने की है अपनी छोटी बहन बहनोई और उनके पूरे परिवार की दावत, जिसकी मैंने शादी की, हल्दी की, सारे फंक्शंस की वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है। तो उनकी शादी हुई थी जैन में, और अब ईद का मौका था, तो ईद के मौके पे और बहन की दावत ना हो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। हालांकि गर्मी ने तो बहुत कोशिश की, बट मैं भी मतलब कहते हैं ना अड़ी रही कि नहीं जी मैंने तो करनी है, गर्मी चाहे जो मर्जी कर ले। कहते हैं ना हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, तो बस वही हाल था। तो अब मैं बना रही हूँ ये लाल चटनी, मैं बनाऊँगी दही बड़े, तो उसके लिए इस चटनी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी डिटेल रेसिपी इसी की क्या सबकी डिटेल रेसिपी मैं बाद में दूँगी। और ये मेरी चटनी बन के हो गई है तैयार। तो गाइस सौंठ तो मेरी बन के हो चुकी है तैयार, और ये देखिए ये देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। ये जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है खाने में भी उतनी ही मज़ेदार थी। और इन सब की डिटेल में रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और अभी फ़िलहाल वीडियो मेरा बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए माजत चाहती हूँ। तो गाइज़ ये मैंने तैयार कर लिया है अपने कबाब का बैटर, इसकी भी डिटेल रेसिपी आपको बाद में मिलेगी, अभी तो मुझे जल्दी जल्दी करना है अपना काम। तो मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था और कैसे कैसे प्रिपेयर किया है। तो मैं इसको मिक्स करूँगी, बट ये बर्तन छोटा है तो मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर मैं इसे कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और ये भी मेरी वन डे पहले की प्रिपरेशन है, तो ये मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसे लगा दूंगी डीप फ्रीज़र में, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला 3-4 दिन तक। लेकिन खैर मुझे तो कल ही खिलाने हैं अपने मेहमानों को, तो बस ये दो काम मेरे एक दिन पहले कंप्लीट हो गए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह सबसे पहले कामों में लगने से पहले मैंने सोचा मैं अपने हबी को करा दूँ ब्रेकफास्ट। जैसे कि आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा, ब्रेकफास्ट बन रहा है हबी के लिए, क्योंकि पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा और अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो फिर पूरा दिन भूखे रह जाएंगे। मैं नहीं चाहती मैं अपने दिन की शुरुआत करूँ हबी को भूखा रख के। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ अंडा पराठा। तो अंडे पराठे की डिटेल रेसिपी तो नहीं दे पाऊँगी मैं, तो मैं आपके सामने फिर भी कोशिश कर रही हूँ, जैसा भी दिख रहा है आप देख लीजिए मैं ऐसे कैसे फिल करती हूँ, कैसे सेकती हूँ, ये सब तो दिख जाएगा। बाकी अंडे को फेंटने में मैंने उसमें डाला है बस नमक, मिर्च और हरे मिर्च काट के, और हरा धनिया और प्याज, हाँ ये सब चीज़ें मैंने अंडे में डाल दी है। और ये अंडा मैंने इसके अंदर कर दिया है फिल, तो इसको मैं दबा दूँगी, इसका जो मैंने सील खोला था। और अब इसे अच्छे खासे देसी घी के साथ मैं कर लूँगी फ्राई। हमारे यहाँ पराठे देसी घी में ही बनते हैं और देसी घी मैं बनाती हूँ घर में, आप लोगों को पता ही है। तो बस मैं बना रही हूँ पराठा, और आई होप कि इस बार साउंड की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपनी साउंड वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैं दबा दबा के दोनों तरफ से अच्छी तरह से घी लगा लगा के मैं सेक लूँगी। और वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये मेरे हबी का, तो उनको पसंद है तो मैं बना देती हूँ। और कहते हैं ना दावत की शुरुआत पहले घर वालों को ही खिला के करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं पहले अपने हबी को कराऊंगी। हालांकि दिन में उन्होंने लंच स्किप कर दिया था क्योंकि हम लोग बहुत बिजी थे, ट्रस्ट मी गाइस हम लोगों ने किसी ने भी लंच किया ही नहीं क्योंकि हम लोग दावत की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो इसीलिए बस ये नाश्ता हबी के लिए, मैं तो बहुत सिंपल खाने वाली हूँ, मैं तो सिर्फ ब्रेड बटर और चाय लेने वाली हूँ, तो बस उन्हीं के लिए बना रही हूँ फटाफट से। वैसे कुछ भी कहूँ मेहमान आते हैं तो अच्छा ही लगता है यार, घर में एक गैदरिंग हो जाती है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या क्या मैंने किया। और इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा अपने ससुराल मामा के पास, क्योंकि दावत वहीं होगी और सारी तैयारियां मुझे वहीं करनी है। जो एक दिन पहले की थी वो मैंने अपने इस घर पे कर ली है, अब बाकी की प्रिपरेशन सारी दावत सब वहीं है क्योंकि मेहमान वहीं आने वाले हैं। तो बस नाश्ता करके नहा धो के मुझे निकलना है अपने ससुराल। ये मेरा पराठा बन चुका है, इसके ऊपर भी मैं अच्छा खासा घी लगा दूँगी और इसको सर्व करूँगी टोमेटो केचप के साथ और एक गिलास। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मैंने हबी को दे दिया था सबसे पहले नाश्ता, और उसके बाद अब ये है मेरी भीगी हुई दाल, ये मैंने रात को ही भिगो दी थी, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो ये है मेरी मूंग की धुली हुई दाल और उड़द की धुली हुई दाल, और दोनों मैंने एक एक छोटी कटोरी भिगो ली थी बीन के, और अब मैं इसे पीस लूँगी। तो
गाइस आ चुकी हूँ मैं अपनी ससुराल अपनी मामा के पास, और अब सबसे पहले शुरुआत में कर रही हूँ दही बड़े की प्रिपरेशन। आप लोगों को लिखा भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं बैठ गई हूँ आराम से चटाई पे इत्मीनान से, ताकि मैं अच्छे से अपने बैटर को फेंट सकूँ। और खड़े होके आज बहुत सारा काम करना है, तो कोशिश कर रही हूँ कि कुछ काम खड़े होके कर लूँ, कुछ काम बैठ के कर लूँ। तो बस इस बैटर को बहुत अच्छे से आपको फेंटना है। इसकी भी डिटेल रेसिपी मैं आपको बाद में दे दूँगी, फ़िलहाल तो बस आप थोड़ा बहुत क्लिप्स देख ही लीजिए। तो इस तरह से मैं इसको बहुत देर तक मैंने इसे फेंटा, और अब मैंने इन्हें कर लिया है फ्राई। घबराइए मत, ये मैंने आपको दिखाया है कि ये फ्राई होके कितना आपको फ्राई करना है। इन्हें थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेना, क्योंकि पानी में जाके ये हो जाएंगे लाइट कलर के। तो आपको लाइट नहीं इन्हें सेकना है, डार्क ब्राउन ही सेकना है। और मैंने कैसे डाला है बैटर कढ़ाई में, ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और उधर धो रही है मेरी ननद साहिबा बर्तन। आप लोग कहते हैं ना कि काम नहीं कराती, करा लेती हैं कभी कभी, छोटा मोटा काम तो कर ही लेती हैं। और हाँ, ज़्यादा हम खाना वाना तो उन्हें आता भी नहीं है, और हम बनवाते भी नहीं हैं। बाकी बच्चे हैं तो छोटा मोटा काम ही कर लेती हैं। तो मैं खैर कहती नहीं हूँ, आगे से उनका मन होता है तो वो कर लेती हैं, उनका मन नहीं होता तो वो नहीं करती। खैर, और इस तरह मैंने अपनी डाल ली हैं छोटी छोटी सी अपनी बैटर की गोलियाँ, और इन्हें मैं उसी तरह फ्राई कर दूँगी जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब मैं कर रही हूँ अपनी शीर बनाने की प्रिपरेशन, और इस छोटे से बाउल में मैंने रख दिए हैं छुआरे भिगोने के लिए। मैं रात को भिगोना भूल गई थी, तो मैंने 6-7 छुआरे डाल दिए हैं, और मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से फूल जाए और इन्हें मैं काट लूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया है 1 बड़ा गिलास पानी अपने दूध में, दूध मेरा है 1.5 लीटर। तो ये तो काम मैंने कर दिया है, और अब इसके बाद मैं अपनी करूँगी दूसरी प्रिपरेशन। तो ये मैं काजू बादाम काट रही हूँ। ये मम्मा काट रही हैं हमारी प्याज मम्मा, और ये सामने मेरी भतीजी लगती है, मतलब मुझे चाची कहती है। तो ये दोनों काट रहे हैं प्याज, और प्याज बहुत सारी थी। ये बन चुका है मेरा ग्रीन रायता, और इसकी भी सॉरी एक ही तकिया कलाम बन गया है। इसकी भी डिटेल रेसिपी आपको बाद में मिल जाएगी, फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मुझे शॉर्ट भी करना था। तो ये आपको देख के भी समझ आ रहा होगा कि ग्रीन रायता भी तड़का है, तो इसमें मैंने लगा दिया है हींग और जीरे का तड़का। बेहतरीन सा और बेहतरीन सा बन गया है मेरा रायता, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। तो आप इसकी रेसिपी देखना और खुद भी घर में बनाना, और मुझे बताना कि कैसा बना है आपका रायता। तो गाइस टाइम हो चुका है, दोपहर के 3 बज गए हैं, और ये मैंने बना लिया है कोरमा, और इसको मैंने अच्छे से भून भी लिया है। और इसकी भी डिटेल रेसिपी आपको बाद में मिल जाएगी। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, और मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर टेस्ट करूँगी नमक कि कैसा है और कैसा नहीं है, और इसी में मैं आपको सिखाऊंगी बिरयानी बनाना। सिखाऊंगी नहीं, जस्ट दिखाऊंगी, क्योंकि उसकी भी डिटेल रेसिपी आपको बाद में ही मिलेगी। तो ये अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। कोरमा मेरा बन चुका है, और ये मैंने सारा मसाला भून दिया था। अब मैं डाल रही हूँ चावल। तो गाइज उससे पहले मैं यहाँ पर घर पे आ गई थी 11 बजे, और 11 बजे से जो मैं लगी पड़ी हूँ। तो मैंने उतनी देर में आप लोगों को दिखा भी दिया है कि शीर भी बना ली है, और मैंने दही बड़े भी बना लिए हैं, और बिरयानी के लिए अखनी भी रख दी थी, और कोरमे की और प्रिपरेशंस भी कर ली थी, और अब मैंने कोरमा भी बना दिया है, और अब मेरी ये बिरयानी लास्ट आइटम रह गई है। रायता भी मैंने बना लिया है। तो ये मेरी बिरयानी रह गई है, और इसे मैं बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अखनी का पानी। आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का आ रहा था कि डिटेल में बताओ बिरयानी आप कैसे बनाते हो। तो हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि आपको बिरयानी बनानी नहीं आती, ऐसे तो पुलाव बनाते हैं। तो जी नहीं डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, किसी बहुत बड़े इंसान ने कहा है कि एक कहावत है कि पग पग पे पानी बदले, और पता नहीं 10 पग पे वाणी, आई डोंट नो क्या क्या है। तो वो उसी हिसाब से कि मतलब जैसा आपका थोड़ी थोड़ी जगह पे आपका सब रेसिपी वेरिएंट और पहनावा बोली भाषा सब चेंज हो जाती है। तो हमारे यहाँ इसी टाइप की बिरयानी बनाई जाती है, तो हम इसी टाइप की बनाते हैं। अगर आप लखनऊ या हैदराबाद के हो तो वहाँ पर तय वाली बिरयानी बनाई जाती है।
तो मुझे वो भी आती है, बट हमारे यहाँ ऐसी ही खाई जाती है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती कि सबको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, इसलिए फरमाइशें भी आ रही थी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बिरयानी कैसे बनानी है। और इसके अंदर मुझे लगा नमक कम तो मैंने वो ऐड कर लिया है और अब मैं इसे चला रही हूँ अच्छे से, बट बहुत ही जेंटल तरीके से, चावल आपके टूटने नहीं चाहिए। तो बस हो चुकी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट तब बहुत ज़्यादा गई हूँ, आप लोगों को सब पता ही है और टाइटल देख के भी पता चल गया होगा। 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन से लगी पड़ी हूँ कामों में। और क्यों लगी पड़ी हूँ, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरी सिस्टर है जिसकी शादी की, हल्दी की, हर चीज़ की मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसकी मैंने की है पहली बार दावत, अपने घर पे बुलाया है उसे, तो उसके उसको उसके पूरे परिवार को सबको बुलाया है, तो आज हमने उनकी दावत करी है। तो इसी सिलसिले में मैं लगी पड़ी हूँ कामों में, बहुत कुछ बनाया है और क्या क्या बनाया है मैं आपको सब कुछ तो दिखाऊंगी, आप फिक्र क्यों कर रहे हो। तो मुझे बिल्कुल अभी इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि मैं आपसे आके रूबरू बात कर सकूँ, तो अभी मेरी बिरयानी बन रही है तो मैं ऊपर आई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है अभी भी और अभी और आएगा। एक्चुअली हम लोगों ने डिनर प्लान किया है, तो आ तो वो लोग चुके हैं, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं वो लोग। और अभी रात को, अभी तो शाम हो रही है, शाम के बजे 5:30, तो हम लोग रात को करेंगे डिनर। उससे पहले सोच रहे हैं कहीं घूमने चले जाएं, अगर इफ पॉसिबल हो पाया तो जाएंगे और अगर टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं जा पाएंगे। तो चलो ब्लॉग तो मैं शुरू कर चुकी हूँ और आगे क्या क्या होता है मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जिन लोगों ने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वो झट से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर से मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता है और कमेंट करना ज़रूर। तो चलो आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। यहाँ मैं कर रही हूँ अपने कबाब रेडी और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं पहले स्टार्टिंग नहीं दिखाती हूँ, पहले एंड दिखाती हूँ कि जैसे कि मेरे कबाब सिक चुके हैं। तो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप देख लो कि सब कबाब कितने मैंने सेके हैं, कितने डार्क ब्राउन रखे हैं और अब मैं कैसे डालेंगी ये भी आपको बता दूंगी। आप क्यों घबरा रहे हो, मैं हूँ ना। तो अब मैं इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ, ये सरसों का तेल है और ये पका हुआ मैंने फ्राई पैन में रख लिया था। तो अब मैं इसे डाल के, और ये मैंने डाल दिया अपनी टिकिया, बस इसको उसी तरह सेक लेना है जैसे मैंने पहले कबाब सेके, आप लोगों ने देख तो लिया ही है ना यार, तो बस चिल करो ना। तो गाइस, दस्तरखान लग चुका है और ये खाना आप लोग के सामने रखा है। तो आपको नज़र आ रही होंगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वहाँ सैलेड रखा है, खीरा है, अनियन है और वो कोरमा है, और ये जो इन्होंने डिश खोली है आप ही ने, ये शीर खुरमा है, ये दही बड़े हैं, उधर कबाब रखे हैं, ये बिरयानी है ट्रे में और रोटियाँ हैं हॉट पॉट में, उधर हरा भरा रायता है। तो बस यही सब है। तो गाइस, डिनर पार्टी हो चुकी है स्टार्ट और अब हम लोग खाना खाने में लग चुके हैं। तो मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, सामने बैठी है मेरी सिस्टर जिसने कर ली है ड्रेस चेंज, क्योंकि वो पहन कर आई थी बहुत हैवी सूट और गर्मी बहुत थी, तो वो अपना एक्स्ट्रा सूट लेकर आई थी, तो अब वो चेंज करके रिलैक्स होकर बैठी है। उसके पास बैठे हैं उसके हबी और ये मेरे जस्ट सामने बैठी हैं उसकी सासू मामा, और मेरे राइट हैंड साइड पर बैठी हैं उसकी नना साहिबा येलो कुर्ते में, और वो जो उसी के पास बैठी हैं छोटी, वो उनके नेबर हैं, और वैसे रिश्ते में भी नना दी लगती है लेकिन वो नेबर हैं। और इधर जुमजुम लेटी है अपनी दादी की गोद में, तो मम्मा भी अभी खाना खाएंगी, तो मैं अभी जुमजुम सो के उठी है तो मैं उसे कह रही हूँ कि हट जाओ और दादी को खाना खाने दो। तो इधर मम्मा अब शुरू कर रही हैं खाना और दोनों समधन ही लगती हैं शायद आपस में, नहीं पता नहीं क्या लगते हैं दोनों। क्योंकि ये मेरे हबी की मम्मा है ऑरेंज सूट में और वो मेरी सिस्टर के हबी की मम्मा है, अब क्या लगती हैं मुझे नहीं पता, अब खुद अंदाज़ा।
तो गाइस ये लोग आ चुके हैं मेरे इस वाले घर पे, और मतलब हमारे नए वाले घर पे। वहाँ से हम लोगों ने खाना पीना सब खा लिया था, और अब मैं दिखाने लाई हूँ अपना ये वाला घर, क्योंकि मेरी सिस्टर ने तो देखा है, उसके इन लॉज ने नहीं देखा था। तो सब आ चुके हैं यहाँ पर और बैठे हुए हैं। ये अभी खड़े हुए बेचारे, ये भी बहुत थक चुके हैं आज। और अब ये लोग जा रहे हैं, और अब हम कर रहे हैं इन्हें बाय बाय। और इन लोगों को अच्छी खासी खूब गर्मी लगी थी यहाँ पर, अब क्या करें, गर्मी है तो है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस अब अलविदा हो रहा है हमारा, और ये मोमेंट मेरे लिए थोड़ा सा सैड था। तो मैं अपने दिल को बहुत संभाल रही थी, क्योंकि बहन आती है और फिर वो जाती है तो दुख तो लगता ही है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर ऐसा होता होता तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये उनकी अपनी ही कार है, और खैर मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, वरना फिर आप कहेंगे कि शो ऑफ कर रही है या ये कर रही है या वो कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, और ये है हमारी गली। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि दी अपना पूरा एरिया, मोहल्ला, घर सब कुछ दिखाना, तो मैं इंशाल्लाह ये वीडियो भी एक दिन ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी खड़े हुए हैं और बस अब ये लोग जा रहे हैं, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी अभी फिक्र मत करिए, व्लॉग एंड नहीं हुआ, व्लॉग का एंड मैं खुद आके आपके सामने करती हूँ। तो बस अब ये लोग जा चुके हैं। तो गाइज आई एम बैक, और ये है मेरा लास्ट सेगमेंट इस व्लॉग का, क्योंकि इसके बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं, क्योंकि वैसे भी दावत ख़त्म हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया है, मेरे मेहमान जा चुके हैं, मैंने उन्हें इसे ऑफ कर दिया है। तो अब मैं बस जल्दी से शावर लेके और मैं करूँगी आराम, क्योंकि मैं दो दिन से कामों में बहुत बिजी हूँ। मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्या बार बार बताना, ठीक है, मेहमान आते हैं, काम होता है, सबको होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। तो बस ये सारी मेहनत, एक्चुअली काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, व्लॉग शूट करना बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी चीज़ें फिर जल्दी से उसको शूट करना होता है, सारे मोमेंट्स, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है साथ साथ काम करने के। तो ये सब मेहनत मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो इसीलिए मेरा, मेरी फैमिली भी बड़ी होती जा रही है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं करती रहती हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़, जिन लोगों ने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, झट से कर ले सब्सक्राइब, बेल का बटन ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर से मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी या।